नटकट कान्हा का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया गया। कोरोना कहर का असर होने से इस मर्तबा सार्वजनिक रूप से कहीं भी माखन मटकी नहीं टांगी गई, जिससे ग्वालों का शोर थमा रहा। माणक चौक स्थित बड़े गोपाल जी के मंदिर में उत्साही माहौल रहा। भक्तों ने श्री कृष्ण जन्म पर भरपूर नाच गाना कर उत्सव मनाया। रात को कान्हा के जन्म होते ही आरती की गई। सैलाना रोड स्थित श्री राम मंदिर पर भी जन्मोत्सव मनाया गया। रात को भक्तों ने आरती की। जन्मोत्सव पर कृष्ण राधा की आकर्षक सज्जा की गई थी। रतलाम हाईवे पर घटना ब्रिज के पास एसिड से भरे एक ट्रक में लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। गैस के लीकेज होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने पर मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस ने निगम की फायर ब्रिगेड भी मौके पर बुलवा लिया। बताया जाता है कि ट्रक नागदा ग्रेसिंग से निकला था। बताया जाता है कि घटना ब्रिज के पास एसिड का टैंकर लीकेज हुआ था, जो बिरला ग्रेसिंग केमिकल डिवीजन का टैंकर था। हादसे की सूचना मिलने पर नागदा फैक्ट्री की टीम रतलाम मौके पर पहुंच गई थी। यह टैंकर नागदा से अहमदाबाद गुजरात जा रहा था। टैंकर में क्लोरोसुल्फोनिक एसिड भरा हुआ था। इस एसिड से बनी गैस से मानव जीवन को कोई नुकसान नहीं है, वहीं फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। फसलों में लगने वाली इल्लियां मर जाएंगी, ऐसा नागदा से आई रेस्क्यू टीम के प्रभारी का कहना है। बड़ौदा के समीप मलेनी नदी में तैर रही एक युवक की लाश पुलिस ने निकलवाई है। बड़ौदा पुलिस को सूचना मिली थी कि मलेनी नदी की पुलिया के नीचे एक युवक का शव तैर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक के पास से कुछ नहीं निकला, न ही शव पर कोई चोट के निशान है। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास सूचना करवाकर शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए हैं। हमारे जिले में अब कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया जाएगा। इस थेरेपी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब कॉलेज प्रबंधन डोनर की लिस्ट बना रहा है। डोनर से बात की जाएगी, उनकी हामी मिलते ही कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करवाने के लिए बुधवार को कलेक्टर रुचिका चौहान भी कॉलेज में पहुंची थी। उन्होंने कॉलेज में आने वाले पॉजिटिव मरीजों को उपचार के बारे में भी पूछताछ की, साथ ही प्लाज्मा थेरेपी में आने वाली परेशानियों, अब तक की स्थिति आदि को लेकर चर्चा की है। रतलाम में ब्लड सेपरेशन की सुविधा नहीं होने के कारण इंदौर में से ब्लड प्लाज्मा निकाला जाएगा। वहीं 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 24 घंटे में 2 से 3 बार मरीज को ब्लड चढ़ाया जाएगा। कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से उपचार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए डोनर के तैयार होते ही उसमें प्लाज्मा लेकर मरीजों को लगाया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा लाभ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाना है।